थैंक गॉड मैडम आप आ गए हैं। आपका वेट करते करते मैं बुड्ढा हो जाता वरना, राइट? हेलो, पति इतनी स्वीट बात बोल रहा है कि पत्नी का वेट कर रहा था, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है, क्या सोच रहे? कुछ नहीं, सॉरी। डोंट बी। ये बताओ कि मुझे यहाँ छोड़ के शल्लिन से क्या बात करने गई थी, तेरे सामने क्यों नहीं कर सकते थे? शल्लिन से थोड़ी आंटी को देखने गई थी। छोटी, क्या बात थी? हाँ, झूठ बोल रही हूँ। नहीं, अगर नहीं बताना तो मत बताओ। I mean, अगर तुम ये बात मुझे बताओगी जबरदस्ती तो क्या पता बाद में अनकंफर्टेबल फील करो, तो रहने दो, मत बताओ। अच्छा, बहुत समझदार हो गए हो। I am the Karan Luthra, okay? मैं समझदारी पैदा हुआ था। You know, जब मैं हॉस्पिटल में पैदा हुआ तो डैड ने पूछा क्या हुआ, तो नर्स ने बोला समझदार हुआ। I am gone. Oh my God, वो देखो। कहाँ जा? देखो, अभी जो भी हुआ ना, मैंने जो भी कहा किया, इसके बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। जो तुम कहोगी वो करेंगे। लेकिन मैं क्या सोचा था ना, आज छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली का बड़ा गिफ्ट तो कर दो, बड़ी दिवाली है, बड़ी दिवाली का क्या गिफ्ट मिलेगा मुझे मैडम? हाय हाय। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, शर्माने में ना एनर्जी वेस्ट मत कराओ, बता दो क्या गिफ्ट है। कोई बात नहीं, शर्माने में मेरी बिल्कुल एनर्जी वेस्ट नहीं होती, तो मैं सिर्फ शर्मा लेती हूँ। तुम कितनी प्यारी हो ना प्रीता। तुम कितने शरारती हो ना करण। I missed you. I missed you too. लेकिन इतनी देर हो गई, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था। आइए प्लीज जल्दी। गिरीश भैया जरा ये यहां रख दो अभी, और आप जाकर ना ब्रेकफास्ट देख लो कि कैसी तैयारियां चल रही। प्रीता, ये केटरर्स नाश्ता बनाना कब शुरू करेंगे? अभी तक नाश्ता शुरू नहीं किया, कर देना चाहिए था। फिर लंच भी बनाना, और आज तो डिनर भी स्पेशल है क्योंकि 7-8 बजे से मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। अरे करण रुक जा, तू कहाँ जा रहा है? ऋषभ ने कहा प्रैक्टिस पे जाना है, तो प्रैक्टिस पे जा रहा हूँ। ऋषभ ने कहा है? ऋषभ ने ये कहा है कि प्रैक्टिस शुरू करनी। ऋषभ ने ये नहीं कहा है कि प्रैक्टिस आज से ही शुरू करनी। तूने गलत सुना। ये मम्मा हमेशा ये गलत सुनता है, सही सुनता कब है तू? करीना मैम, ब्रेकफास्ट रेडी है, मेरे कमरे में लगा दो। ओके मैम। भैया सुनिए, ये डेकोरेटर्स तो पता नहीं कब आएंगे, आप ये यहाँ रखिए, आप ही शुरू कर दीजिए। ये सारी लाइटें ना पूरे हॉल में लगनी चाहिए, कोने कोने में भी। अब मैं जाऊं या नहीं? नहीं, कहा ना तू कहीं नहीं जाएगा। जरा प्रीता के बारे में सोच, वो अकेली कितना काम करेगी। और तुझे पता है घर में इतनी टेंशन चल रही थी, इसलिए हम कोई दिवाली की शॉपिंग भी नहीं कर पाए। तो प्लीज जाके बाजार से पूजा का सामान लिया, दिए लिया, मिठाइयाँ लिया, और तुझे जो ठीक लगे वो भी लिया। मामा दी करण लूथरा, मैं ये सब नहीं करता। दिवाली पे तो कर ही सकते हो। अरे मम्मा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आप सोचो करण जाएगा मिठाई वाले के पास और बोलेगा मुझे मिठाई दे दो, मुझे दिया दे दो, मुझे अगरबत्ती दे दो, कैसा लगेगा ऐसा करता हुआ? नहीं, हम सब मिलकर कर लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रीता पुत्र, अब तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलजुल के काम कर लेंगे। ओके। अरे मेरे बच्चों, कमे 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 कमे। पता है मुझे कौन लेकर आया? आपकी मम्मी। थैंक यू बोलो मम्मी को। थैंक यू। आपकी मम्मी ने मुझे कहा कि आपको पीहू मिस कर रही है, मैंने बोला चलो मैं जल्दी से आपके मिलने आ गया। ऋषभ, मैंने आपको बहुत मिस किया। कितना मिस किया आपने? बहुत सारा। इतना सारा? और मैंने भी आपको इतना सारा मिस किया आपको। तो मतलब मैंने आपको कुकू को भी मिस किया है ना, और आपके लिए नई कुकू भी लेके आया हूँ। पूछो वापस। गिरीश भैया रुके, रंगोली लाइए मुझे दीजिए, मैं बनाऊंगी रंगोली। तो घर की बहू बेटिया बनाती है ना। अह
अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है, महसूस होता है, विश्वास है कि तुम लूथरा परिवार की बहू बनने के लायक हो, ऋषभ जी की पत्नी कहलाने के लायक हो, पास्ट में जो तुमने गलतियां की हैं, और बहुत सारी गलतियां की हैं, अगर उनका पछतावा है और ऋषभ जी को वही प्यार और इज्जत दे सकती हो जो वो डिजर्व करते हैं, तभी लौटना, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना। हैप्पी दिवाली शैलन। हैप्पी दिवाली प्रीता। हैप्पी दिवाली शैलन। हैप्पी दिवाली बुआ। हैप्पी दिवाली मम्मी जी। हैप्पी दिवाली। अब संजना की तबीयत कैसी है? अब ठीक है मम्मी। अब मम्मी जी, ये मॉम ने कुछ मिठाई भेजी है दिवाली के लिए। थैंक यू। भाभी, मेरे कमरे में चल के नाश्ता करें। चल। ऋषभ जी, आपको घर पर देखकर बहुत खुशी हो रही है। आई एम रियली सॉरी, मैं कोर्ट में नहीं आ सकी, मॉम की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। नहीं, कोई बात नहीं, अब मॉम ठीक है? हाँ, अब मॉम की तबीयत ठीक है। ऋषभ जी, मैं अभी आई। हेलो, आई विल डू इट। हेलो, मुझे आपसे मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आर यू मैड? मेरा बेबी सलाखों के पीछे है और मैं यहाँ पर, मैं ये सारी चीजें टॉलरेट नहीं करूंगी। आपको कुछ भी करके उसे जेल से बाहर निकालना होगा। अरे आप लॉयर हैं, आपको पता है कि किसे कैसे बाहर निकालना है जेल से। मैं आपसे मिलूंगी। अरे यहाँ पे खूनियों को बेल में किससे बात कर रहे? लॉयर से। क्यों, किस लिए? आई कॉल यू बैक। ऋषभ जी, मैं लॉयर से बात कर रही थी। पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए? हाँ? नहीं ऋषभ जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं लॉयर से ये कह रही थी कि यहाँ पर कातिलों को बेल मिल जाती है, तो पृथ्वी पे तो सिर्फ चीटिंग का और अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस है, तो उसे तो इजीली बेल मिल जाएगी। तो लॉयर को कुछ करना होगा सो दैट वो जेल से बाहर ना निकले और उसे बेल ना मिले। मुझे पता है ऋषभ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। शक तो मुझे तुम पर हो रहा है शैलन, पर शक को मैं तब तक यकीन में नहीं बदलने दूंगा जब तक चीजें मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेता, क्योंकि मैंने शक के सवालों का कीचड़ तुम पर नहीं उछालना चाहता। आफ्टर ऑल यू आर माय वाइफ, पर किसी के रिस्पेक्ट करते हुए खुद झूठ के रिश्ते में भी नहीं रहना चाहता हूं। क्या हुआ ऋषभ जी, आप कुछ काम था? या, नहीं, कुछ नहीं, भूल गया, पता नहीं क्यों आया था। झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं, बस इतना याद रखना। मुझे पता है ऋषभ जी, एंड ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। आई होप कभी तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत भी ना पड़े। एक बार गलती से पकड़ी गई, दोबारा कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी ऋषभ लूथरा। मेरी बेबी को मेरी जरूरत है, सब कुछ भी करके मुझे जेल से बाहर निकालना है, बाय हुक और बाय क्रुक। आज दिवाली है, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेबी से मिलके रहूंगी, चाहे थोड़ी देर के लिए मिलूं। मामा के साथ रंगोली बनाओगे? नहीं, मुझे कुकू के साथ खेलना है। ओके, अग्गी रिश्विया, जरा वो सामान भी इधर ही रख दो। हेलो, तू यहाँ
कैसे आ गई? मैं तो माँ से अभी बात कर रही थी, तू शॉपिंग के लिए गई हुई थी। गई थी ना दिवाली की शॉपिंग के लिए, शॉपिंग करके ही आ रही हूँ। वो क्या है ना, मैंने सोचा कि बाहर निकल ही गई हूँ तो क्यों ना आपसे मिलती चलूं, वरना घर जाके सामान रख के फिर आना पड़ता, तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि अभी मिल लो। कितने बहाने लगाती है, मुझे पता है अकेले थोड़ा घर में मन ही नहीं लगता। ओ सॉरी कलर लग गया। कोई बात नहीं, मैं हटा देती हूँ। आपने सही कहा, मेरा घर में मन ही नहीं लगता, क्योंकि क्या है ना, घर में ना सारी ओल्ड जनरेशन है, ऐसा टॉन्ट, ऐसी डांट खाते रहती हूँ ना मैं घर में, यहाँ पर ना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, आप हो पीहू है, मजा आता है। पीहू पीहू पीहू, इधर आओ इधर इधर आओ। ना मैं कुकू के साथ खेल रही हूँ। ये कितना भाव खाती है यार। कुकू के लिए मैंने देखो क्या लाया है, चॉकलेट। अब देखना कैसे भागते हुए आएगी। चॉकलेट, देखा देखा मैंने कहा था। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देखो मैंने कुकू के लिए लाया है। पर ये तो आपने कुकू दी, मेरे का है। आपके लिए आपके लिए भी है, आपके लिए बड़ी वाली चॉकलेट। थैंक यू। अरे मासी तो बोल आगे थैंक यू के। थैंक यू, लव यू अली मासी। वो आज अपने में इन्वॉल्वड है। अरे वाह दी, आज क्या आप रंगोली बना रहे हो क्या? हाँ अच्छा ना तू आ गई, अब हम दोनों साथ में रंगोली बनाएंगे। बस हाँ यहाँ सेंटर में थोड़ा सा करके रख दो। याद है कमशेदपुर में हम कैसे रंगोली बनाते थे, जो बाबूजी को बहुत अच्छी लगती थी। I know. आज बस वही रंगोली बनाएंगे जो बाबूजी के साथ बनाया करते थे। बहुत बढ़िया। दी चलो ना रंगोली के साथ एक सेल्फी लेते हैं। इहू भी है यहाँ पर। इहू आ जाओ बैठो। पूरी रंगोली खराब कर दी। I'm so sorry. बेटा वो मेरी नजर आप पे थी ना, इसलिए मुझे रंगोली दिखाई नहीं दी, मुझसे गलती से हो गया। I'm really sorry. सोनाक्षी इतनी बड़ी रंगोली तुम्हें कैसे नहीं दिखी, इतनी मेहनत से बनाई थी हमने। बराबर दिखी, इतनी बड़ी रंगोली किसको नहीं दिखती है, इसे जानबूझ के किया है, घर में कदम रखते के साथ चीजें खराब करती। नन्ना मासी आप लोग सैंडविच तो ही है, मैं हम फिर से बनाएंगे रंगोली, मैं हेल्प करूंगी आपकी। ठीक है आप हेल्प कर देना। हाँ और मैं कुकू को भी लेके आती हूँ। ठीक है जाओ। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तुम यहाँ आई ही क्यों हो सोनाक्षी? बनाओ प्रीता, मेरी बेटी के साथ जितनी रंगोली बनानी है बनाओ, पर बाद में रंगोली भी यही होगी, पीहू भी यही होगी, पर तुम्हारी जगह यहाँ पर मैं होंगी। कुछ पूछा मैंने तुमसे, साइलेंट मोड पे क्यों चली गई तुम, जुबान नहीं है क्या? पूछा मैंने कुछ? प्रीता I'm sorry, वो मेरी वजह से तुम्हारी रंगोली। Actually, you know what? Sorry मत कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैं शुरू से ही चाह रही थी कि पीहू के साथ रंगोली बना। अब पीहू मान गई है रंगोली बनाने के लिए, तो हम फिर से नई रंगोली बना लेंगे साथ में मिलके, है ना पीहू? अच्छा एक कलर हम पीहू को भी देते हैं, वो ऑरेंज कलर आप ले लो। अब ला अदी, जीजू का फोन है। अच्छा जरा दे। हेलो क्या? अच्छा आती हूँ।
क्या हुआ? मम्मा अभी आती है, पापा को कुछ अर्जेंट काम है, उसके बाद करेंगे। दी फिर मैं भी एक काम करती हूँ, मैं सारा सामान घर पर रखती हूँ और फिर वापस आती हूँ। अच्छा ठीक। मैं पीयू के साथ रंगोली बना लेती हूँ, आओ पीयू। ना, मैं और कुकू बनाएंगे। कोई बात नहीं। करण, मुझे बोला कि बहुत अर्जेंट बात है और खुद यहाँ है ही नहीं। कमाल, क्या हुआ? ओ, मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, झूठे। क्या झूठे यार, सुबह से तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मिलती नहीं हो यार, तो क्या करूँ? कल सब ऋषभ के लिए परेशान थे, सब कृतिका के लिए परेशान है, और सुबह उठा तुमसे बात करनी थी, तुम कमरे में नहीं थी, तो अर्जेंट बोल के बुला लिया। कितनी गलत बात है ना वैसे, झूठे बदमाश पति परमेश्वर। क्या झूठे, तुम्हारे लिए कुछ लाया, दिखाता हूँ। गॉड, इतना बड़ा गिफ्ट, क्या है इसमें? तुम्हारे लिए ड्रेस है, और मैं चाहता हूँ कि तुम दिवाली पे यही पहनो। क्यों करते हो ऐसे? इतने सारे नए कपड़े पड़े हुए हैं, पता उनका नंबर भी नहीं आया, और तुम नए पे नए कपड़े लाते रहते हो। अब ऐसे पैसे वेस्ट मत किया करो। अरे मैडम, आप करण लूथरा की वाइफ हैं, ओके? आपके पास कपड़े तो बहुत होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस दिवाली आप मेरी पसंद का पहने। ओके। और वैसे भी ना, गिफ्ट मिलने के बाद लोग थैंक्स बोलते हैं, लेक्चर नहीं देते। ओके, बोरा मान गए क्या? मेरा काम तो हो गया, मैंने गिफ्ट दे दिया। डू यू वांट? ओके कूल, थैंक यू। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, और मैं ना कुछ काम कर रही थी तो फटाफट आती हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? मेरा रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट? हाँ। अब मुझे थोड़ी पता था कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लाने वाले हो, मैंने मैं मार्केट से कुछ ले आती। लेकिन मेरे गिफ्ट के लिए मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। मतलब? मतलब What? वाइफ हो मेरी है, बीवी हो मेरी, हक बनता है मेरा। तुम भी ना सच में बहुत बद। मैं मुझे पेंटिंग करनी है, मेरी हेल्प करो ना। Of course, पीहू की ड्राइंग से इम्पोर्टेंट और कोई काम नहीं है हमें। Absolutely, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम हो ही नहीं सकता। पेंटिंग करेंगे, yes, पेंटिंग करेंगे, हम पेंटिंग करेंगे। आपके पास कपड़े तो बहुत होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस दिवाली आप मेरी पसंद का पहने। सुनिए, प्रीता ने जैसे कहा है डेकोरेशन करने के लिए, बिल्कुल वैसे कीजिएगा, नो चेंजेस। हाय राखियां जी, हाय करीना मैम, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सुन, मैं पता क्या कह रहा था, केक ना लिस्ट बना ले कि किस किस को क्या क्या देना है। अरे ऋषभ, इजी हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो तुम? मॉर्निंग मम्मा। हाय ऋषभ जी, हाय सैम। हैप्पी दिवाली सृष्टि। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सृष्टि। मम्मा, वो ऑफिस और घर के स्टाफ के लिए कुछ प्रेजेंट्स लेने थे, तो इसलिए शॉपिंग के लिए जा रहे। बेटा तुम क्यों जा रहे हो? समीर क्या कर रहा है? वो चला जाएगा। हां एक्चुअली वो, तू भी आ सकता है। जा एक काम कर, तू जा और तू ही शॉपिंग कर ले। ऋषभ भैया साथ में चलो ना, दोनों भाई साथ में जाएंगे, मजा आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय मजा आएगा? एंटरटेनमेंट के लिए लेके जा रहे हो क्या ऋषभ जी को? आई मीन ये कोई पिक्चर है जो साथ में चलते रहेंगे और तुम देखते रहोगे? हाँ पिक्चर है। अरे तुम्हें क्या पता भाई भाई का बॉन्ड क्या होता है, जब देखो बीच में बोलती रहती है। अरे बस लड़की है, क्या कर रहा है तू? आराम से रिस्पेक्टफुली प्यार से बात किया कर लड़कियों से। ऋषभ भैया लड़की तो है लेकिन बहुत तीखी है, ये मीठी मीठी होती तो मीठी मीठी बातें करता है, प्यारी प्यारी बातें करता, लेकिन नहीं, जब देखो तड़का मारती है, टॉन्ट मारती रहती है मुझे यार। ऋषभ जी वो क्या है ना, हर कोई आप जैसा नहीं होता ना, जो इतना कैरिंग हो,
दूसरों की बात समझे, दूसरों को समझे। कुछ लोग तो अपने आप से ज्यादा किसी को कुछ समझते ही नहीं है। देखा, फिर से टॉन्ट मार रही है। ज्यादा टॉन्ट टॉन्ट करोगे ना तो हॉन्ट करने लगा। अच्छा, क्या क्या नहीं कोई तरीका है बात करने का? क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? फैमिली खड़ी है, दिवाली का दिन है, कोई तरीका है मुझसे बात करने का? मैं तो अच्छे से ही बात कर रही हूँ सामी, तुम्हें क्या हो गया? इतना हाइपर होने की जरूरत है? रिलैक्स करूँ? अच्छा चलो, तुम लोग लड़ना बंद करो प्लीज। सृष्टि, एक काम करो, तुम समीर के साथ शॉपिंग के लिए चले जाओ और नजर रखना ये पटाखे ना। हाँ सुन, बिल्कुल पटाखे नहीं खरीदना। हाँ, इस दिवाली हम कोई भी पटाखे नहीं चलाएंगे, सिर्फ शॉपिंग करना और वापस आ जाएंगे। रुक जा। तो ऋषभ भाई, हम क्या करेंगे फिर? तो तू बच्चा थोड़ी है, तू ऐसे क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, अपने लिए, पीहू के लिए, हम सब छोटे मोटे पटाखे लेना, एक दो बस ऐसे शगन कर लेंगे पटाखों का, ठीक है ना? हाँ ऋषभ भाई, मैं समझ गया। नहीं नहीं, पटाखे नहीं चलाने चाहिए, बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए। नहीं नहीं, मैं समझ गया समझ गया।